उम्मीद है कि जहाँ भी आप रहें खुश और आबाद रहें। कभी कभी छोटी सी चीज़ भी न्यू लैपटॉप यूज़र के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। आज हम एक यूनिक सी टॉपिक को डिस्कस करेंगे, फोल्डर को कैसे तरतीब दिया जाता है। अपने लेफ़्ट साइड माउस के ज़रिए लेफ़्ट साइड को डबल क्लिक करके कोई भी आप फोल्डर को डबल क्लिक करके आप दूसरी जगह पे ले जा सकते हैं, जो कि आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। बड़ा ही सिंपल और इजी तरीका है। कोई भी किसी जगह पे किस कोने पे भी आप ले जा सकते हैं, वहाँ रख सकते हैं। क्योंकि पुराने लैपटॉप यूज़र के लिए तो बड़ा ही इजी होगा, लेकिन नए लैपटॉप यूज़र के लिए हर एक स्टेप बड़ा ही मुश्किल होता है। एक तो उसका टाइम भी वेस्ट हो जाता है। तो इंशाल्लाह आई होप कि आपको ये वीडियो आपके लिए बड़ी यूज़फुल होगी। उसके बाद अगर एक क्लिक से आपकी कोई पिक्स डिलीट हो जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझसे ये पिक्स डिलीट हो गई, तो अब दोबारा कहाँ पड़ी होगी, इस टॉपिक को भी हम इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये दो फोल्डर अभी डिलीट कर दिए, तो अब ये कहाँ पड़े होंगे। तो अब जी, तो अब हम आप देख सकते हैं कि ये रिसाइकल बैन में पड़े होंगे। आप यहाँ से दोबारा इसको रिस्टोर कर सकते हैं इजीली। अपना लेफ्ट राइट साइड माउस की राइट साइड पर क्लिक करने के बाद आपका आपकी ऑप्शन रिस्टोर ऑप्शन आपको शो हो जाएगा। आप देख सकते हैं इजीली आप इसको दोबारा भी रिस्टोर कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। अगर आप रिसाइकल बिन को खाली करना चाहते हैं, एम्प्टी करना चाहते हैं, वो भी आप इजीली अपने राइट साइड लेफ्ट साइड को क्लिक करके कर सकते हैं।